नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं भव्या। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। ट्रांसफॉर्मर फटने से लगी भीषण आग, गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ शिक्षा स्तर का निरीक्षण, यमुना घाट पर लगा गंदगी का अंबार। अब गतिविधियां विस्तार से। ट्रांसफॉर्मर फटने से लगी भीषण आग, फोटोस्टेट की दुकान आई आग की चपेट में। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप रोड स्थित बिजली के ट्रांसफॉर्मर में अचानक धमाका हो गया। धमाके के कारण ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई, जिससे पास की फोटोस्टेट मशीन की दुकान जल गई। सोमवार के दिन बाजार में बंद होने से भीड़ कम थी, इसलिए जान माल की अधिक हानि नहीं हुई। फोटोस्टेट की दुकान के मालिक सुरेंद्र ने बताया कि वह अपनी दुकान में बैठे थे कि एकदम से धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि अगर उस समय कोई व्यक्ति उसके आसपास खड़ा होता तो उसकी जान जा सकती थी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बैठा हुआ था, एकदम ब्लास्ट हुआ, बाहर निकला, देखा तो बिल्कुल आग लगी बहुत ज़्यादा, जिसमें किसी का मतलब नुकसान नहीं हुआ, पर हमारी मशीन भी इसमें जल गई। ट्रांसफार्मर में कोई आइडिया नहीं, हम तो अंदर थे, एकदम ब्लास्ट हुआ, उसको पता लग गई। हमने फायर ब्रिगेड को दिया था, हम आ गए आपको चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ शिक्षा स्तर का निरीक्षण, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूल का मुआयना। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें शहीद नवीन वैद्य राज्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 9 और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैंक कॉलोनी रहे। इन स्कूलों में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ रहे बच्चों का सक्षम योजना के तहत लर्निंग लेवल चेक किया और मौके पर उपस्थित अध्यापकों को बच्चों की शिक्षा का स्तर जांचने संबंधित निर्देश दिए। यमुना घाट पर लगा गंदगी का अंबार, छठ पूजा निकट होने के बावजूद भी प्रशासन की नहीं खुली है नींद। पूजा शुरू होने में बचे हैं 3 दिन। पूर्वांचल के लोगों का कहना है कि ऐसी गंदगी में कैसे मनाएं छठ पर्व। पूर्वांचल यानी बिहार और यूपी के लोगों की आस्था का केंद्र कही जाने वाले छठ महापर्व शुरू होने में 2 दिन ही शेष रह गए हैं। यमुनानगर में लगभग 2 लाख से अधिक पूर्वांचल के लोग जिले के विभिन्न फैक्ट्रीज और अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं। इसके कारण अधिकतर लोग अपनी फैमिली को साथ रखते हैं। वहीं काफी संख्या में पूर्वांचल वासियों ने अपना स्थायी निवास यमुनानगर में बना रखा है, इसलिए हर साल यमुना के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालु छठ महापर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन खरना की घर पर ही पूजा की जाती है, वहीं दूसरे दिन शाम को संझकी अर्ध को लोग पूजा सामग्री और पकवान के साथ नदी के घाट पर पहुँचते हैं, जहाँ व्रतधारी डूबते सूरज को पानी में खड़े होकर अर्ध देती हैं। इस दिन पूरी रात नदी किनारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अभी तक यमुना के घाट की सफाई नहीं की गई है। शहर के विभिन्न नालियों का पानी सीधा यमुना में गिराया जाता है, जिससे गंदी चीजें व कूड़ा करकट का अंबार नदी के किनारे जमा हो रखा है। इतनी गंदगी को प्रशासन इतने कम समय में साफ करेगा, यह शोचनीय प्रश्न है। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर थोड़ी बहुत सफाई शुरू की है, लेकिन जिस तरह से नदी के किनारे गंदगी देखने को मिल रही है, ऐसे में व्रतधारियों के लिए गंदगी में छठ पर्व मनाना मुश्किल हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही नदियों को हमेशा से पूजा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में लोग अपने घर की गंदगी से लेकर शहर की गंदगी नदियों में फेंक रहे हैं, जो चिंतनीय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इतने कम समय में पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व मनाने के लिए किस तरह से सफाई अभियान चलाता है। तो आज 3 दिन साफ रखते हैं और
अपने सुख शांति के लिए बाल बच्चों के लिए रखते हैं, मतलब जो कुछ मानते हो हमें मिलता है। आदि उनका बना रहे हैं, स्थान बना रहे हैं, स्थापना करते हैं। तो इसलिए अब हम मतलब सदियों से तक ये पूजा करी जाएगी, सब कौन करेगा इनकी पूजा, जैसे हमारे जितने भी बाल बच्चे होंगे सब लोग कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, इनकी पूजा व्रत रखते हैं 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए जो कुछ हम मांगते हैं इनकी पूजा करते हैं। सुबह आते हैं, शाम पहले शाम को आते हैं, फिर सुबह आते हैं 4 बजे करें। सर ये तो करना चाहिए ना सरकार को, अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, इतनी मान्यता है इसकी, जनता इतनी पूजती है, यहाँ सफाई होनी चाहिए, ये तो सरकार करेगी। अब तो पूजा तो करनी ही है, जहाँ मर्जी बैठ के करे जनता। छठ पूजा ये माता रानी निकालते हैं हम, मानते सारे उसके लिए बना रहे हैं जी। इसे 24 घंटे का व्रत होता है जी, बिन पानी का पानी तक नहीं पूछते, यहाँ तक लेडीज और क्या बोलते हैं ये लड़के भी व्रत रख सकते हैं, कोई भी, कोई धर्म नहीं होता इसमें। कहीं में जैसे पानी में केले को ले फ्रूट लेके सूरज जब तक छिपते नहीं है तब तक, जो सुबह जब तक सूरज उगेंगे नहीं, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम पानी में खड़े रहेंगे। पानी क्या करें, सरकार को देखना पड़ता है इसके लिए। तो सरकार अब वहाँ नाला है जी, आप खुद देखो, नाले में इतनी गंदगी है, कोई सफाई, अभी कोई कर्मचारी नहीं आया सफाई करने के लिए। अभी सरकार को देखना चाहिए ना ये सब, तो हम कितना बोलेंगे, हम बोल के आए सफाई करो, कोई आते नहीं कर्मचारी भी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।